सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निकुल चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल निकुल, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के 3 अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू कर लेते हैं, जो आज का पहला ट्रिक है वो ये है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम स्टेटस रखते हैं लेकिन हम चाहते नहीं है कि हमारे जो भी व्हाट्सएप के सभी कॉन्टैक्ट है वो हमारे सभी कॉन्टैक्ट हमारे ये स्टेटस देखे। हम कुछ फ्रेंड्स को ये स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है, और फिर आपको वहाँ पर अकाउंट पर जाना है। अकाउंट में जाके आपको प्राइवेसी पर जाना है, और वहाँ पर आपको एक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे ही वहाँ पर आप चूज़ करेंगे वहाँ पर आपको अपने सारे कॉन्टैक्ट दिखेंगे। आप जिस कॉन्टैक्ट को चूज़ करेंगे वही कॉन्टैक्ट आपका जो ये नया स्टेटस है वो देख पाएगा। जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो ये है, वो भी स्टेटस के बारे में ही है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स स्टेटस रखते हैं स्पेशली हमारे लिए, और वो चाहते हैं कि हम उसके स्टेटस को देखें, लेकिन हम उस स्टेटस को जैसे ही देखते हैं उसको पता चल जाता है कि हमने उसका स्टेटस रीड कर लिया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम उसका स्टेटस देखें और उसको पता चल जाए कि हमने उसका स्टेटस देख लिया है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स का जो स्टेटस है वो आप देख भी लें, रीड भी कर लें, और उसके रीड के ऑप्शन में आपका नेम भी ना आए? तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहाँ पर आपको जाना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको एक सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको प्राइवेसी पर जाना है। प्राइवेसी के आप जाके आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको लास्ट में सबसे एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ रीड रिसिप्ट वहाँ पर टिक होगा, वो पहले से ओपन रहता है, आपको उसको अनटिक कर देना है। जैसे आप उसको अनटिक करेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिसका भी आप स्टेटस देखेंगे आप उसके रीड के ऑप्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन सबको पता ऐसा ही लगेगा कि आपने उसका स्टेटस नहीं देखा है लेकिन आप उसका स्टेटस देख चुके होंगे। यानी उसको पता नहीं चलेगा सिर्फ कि आपने उसका स्टेटस देखा है, लेकिन आप किसी का भी स्टेटस देख सकते हैं। चौथ की तीसरी ट्रिक है वो ये है कि हमारे फ्रेंड्स कई बार हमें ब्लॉक कर देते हैं, और आजकल तो प्ले स्टोर और गूगल पे कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसकी मदद से आपके फ्रेंड्स ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है वो आपको पता भी नहीं चलता है। आपको पता नहीं चल, अगर आप उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके फ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर वो आपके मैसेज जानबूझ के रीड नहीं कर रहा है। कि सबसे पहले आपको 3 डॉट्स पे जाना है, वहाँ पे आपको एक न्यू ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे अगर जिस पे भी आपको शक है कि इस फ्रेंड्स ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वहाँ पे आपको उसको ग्रुप में ऐड करना है। अगर वो ग्रुप में ऐड हो जाता है तो समझ लीजिएगा उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन वो सिर्फ जानबूझ के आपके मैसेज रीड नहीं कर रहा है। अगर वो ग्रुप में ऐड नहीं होता है तो समझ लीजिएगा कि आप उसने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपका मैसेज उस तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।